सो हेलो वेलकम गाइस, सबका स्वागत है मैं एक और नई वीडियो में। सो आपने स्पॉटिफाई की ये वाली वीडियो तो देखी होगी इंग्लैंड की। अब इस पर मैंने कई एडिट डिटेल भी दिखाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगी उसकी। अभी वीडियो का पार्ट टू होने वाला है। पार्ट टू इसलिए क्योंकि मैंने उस एपिसोड में से और कई एडिट डिटेल निकाली है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगी। मैं जैसा कहा वैसा, तो मुझे उसी एपिसोड में से और कई एडिट डिटेल मिली है जो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज टू लाइक से सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अरे नहीं, मैंने मिस कर दिया एक शॉट। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं बच गया, मेरे को सीढ़ियों ने बचा दिया। भाई साहब मुझे बचा दिया इसने, लावा ने, अभी नहीं सीढ़ियों ने। और ये बंदा मुझसे आगे ने यहाँ पे लीड ले रहा है। सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को यार, ये बंदा क्या कर, अभी भी आराम आराम से खेल रहा है। और ये बंदा ये एक ले लेगा। प्लीज नीचे गिर जा, प्लीज नीचे गिर जा। यस नीचे गिर गया बंदा। और आई होप कि आपने ध्यान से क्लिप देख ली होगी। अगर आपने ध्यान से क्लिप देखी होगी तो आपको ये बंदा दिखा होगा जो कि लावा में गिर गया है। अब पहले स्मार्टी वन ने कहा था कि ये लावा में कोई भी गिरेगा तो वो मर जाएगा, और वो कहाँ पर स्पॉन होगा किसी को पता नहीं। पर ये बंदा नहीं मरा, अब ये मरा नहीं वो जाने दो। पर ये आई थिंक जो क्रिएटिव यूज कर रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबको ये लास्ट फ्रेम में ये थोड़ा सा उड़ता हुआ दिख रहा होगा। और जब स्मार्टी भाई आधे रास्ते पहुंचे थे तब अचानक से वो ऊपर कैसे पहुंच गया, आपको इमेज में दिख रहा होगा। ये अचानक से ऊपर कैसे पहुंचा और उसकी आग कैसे बुझ गई। अब ये हो सकता है वो क्रिएटिव यूज कर रहा होगा। आपको क्या लगता है वो मुझे कमेंट में बताओ। ब्रो मेरी काली नजर, अब मैं यहाँ पे जी सकता हूँ, इजीली जी सकता हूँ मैं। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ से जाएंगे ऐसे करके। लेट्स गो। और गाइस अभी मैं नीचे गिर गया हूँ। मैंने यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस के मारे एक बहुत ही इजी जंप मिस कर दिया। अब ये बंदा, वेट अ सेकंड, अभी बंदा यहाँ पे जी सकता, मैं बोलने वाला था। ये क्या, वेट व्हाट। अब ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको एक क्लिप दिखा के ही समझा सकता हूँ, तो वो देखो पहले। अब देखो स्मार्टी भाई पहले यहाँ पर नीचे गिरे, अब वो वापस से वहाँ पर जा रहे हैं। अभी भी वो बंदा हमें नहीं दिखा, पर यहाँ पर स्मार्टी भाई आते हैं तभी वो बंदा दिखता है। और वो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो अगर वो लावा में गिर गया था तो लावा में से इतनी जल्दी ऊपर कैसे चढ़ा। और स्मार्टी भाई पूरा गिर गए थे, उनकी फ्रेम में भी वो बंदा नहीं है। इसका मतलब वो लास्ट ब्लॉक पर खड़ा था, इसका मतलब यही हुआ ना। तो उसको सीढ़िया चढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा, और लावा में गिरते ही तुरंत स्मार्टी भाई आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे थे, वो तुरंत ऊपर चढ़ गया था, तो वो कैसे हो सकता है। अब ये मेरी थ्योरी थी, वो क्रिएटिव यूज कर रहा था उसकी। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताओ। तुम्हारा भाई जाएगा फाइनल में, बस अगर मैं ये वाली जंप को आसानी से मार पाया, नीचे गिरने वाला था ऑलमोस्ट। ओह माय गॉड, अभी बंदा बहुत पीछे होगा। अब तो तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरे बेटे। अरे बोलना मेरे बेटे, जा पूरा का पूरा पार्कोर। ओह नो, मैं बोलने वाला था पूरा का पूरा पार्कोर, मैं पूरा का पूरा, तू स्टार्टिंग से कर क्या, मुझे इसे करना पड़ेगा, मेरे को इसे करना पड़ेगा इसको। और अब ये पार्कोर शुरू हुआ था तब स्मार्टी भाई की इन्वेंटरी से सब कुछ गायब हो गया था, पर इस बंदे की इन्वेंटरी से कुछ भी गायब नहीं हुआ। अब ये बो एंड एरो कहाँ से लेकर आया, पिकेक्स कहाँ से लेकर आया, वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है मुझे कमेंट में बताओ। हर जगह पे सेलिब्रेशन होने वाली है बिकॉज इंग्लैंड का नया पार्कोर वॉरियर आ चुका है यहाँ पे, जो कि स्मार्टी भाई। और बहुत ही ज्यादा ऑनर्ड फील हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा मजा है आज मेरे को, सीरियसली बता रहा हूँ तुम लोगों को। A few moments later. और गाइस ये मुझे बुला रहा है आगे के लिए। लेट्स गो। व्हाट व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ। ओ दिख रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पे। ओ माय गॉड, मैं बाहर आ गया कैसे। ब्रो व्हाट द हेक वाज दैट, व्हाट यहाँ पे लोग मर चुके हैं, ये क्या है ये ब्रो, व्हाट वाज दैट। वेट यहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं, व्हाट, ये मिस्टर फलाना जी है, मेरे को इसका नेम टैग दिख रहा है, वो भाग रहा है बंदा, व्हाट गायब हो गया। एक सेकंड रुको, मिस्टर फलाना जी था ये, हमारा स्टेज अभी तक बचा हुआ है, एक सेकंड रुको, व्हाट। ओ नो वे डूड, इसने वो सारे के सारे पिकेक्स वगैरह चोरी कर दिया। वेट नहीं, सच में कर दिया क्या इसने, इसने वो कर दिया है, वो देखो वहां पे। नो वे। अब सबसे पहले तो ये जो प्राइस देने वाला बंदा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि इतनी खास चीज को ऐसे ओपन में रखता है क्या, मतलब दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या इन लोगों में, इतनी महंगी इतनी प्रेशियस चीज कोई ओपन में रखता है। और राह भी किसकी देख रहे थे ये लोग, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ये राह देख रहे थे फलाना की, कि कब वो फलाना आएगा और ये सब कुछ चुरा के ले जाएगा। और फलाना ने टूल के साथ साथ आइटम फ्रेम भी चुरा लिए, और इससे पता चलता है कि फलाना कितना बड़ा चोर है। मतलब मजाक में कह रहा हूँ, किसी को हेड नहीं दे रहा हूँ। ओके तो इसमें एक और हिडन डिटेल है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये सब जगह कटी हुई है और एक जगह पर पानी है, और पानी नीचे नहीं आ रहा। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो तो मुझे भी नहीं पता।
अगर आपको बताया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो बस गाइस, आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अगर आपको मजा आया तो प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब, और अगर आपने और कई डिटेल नोटिस की होगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सो मिलता आपको अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो बाय गाइस।